और आप देख रहे हैं मकड़ी एक्सप्रेस 24। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आधुनिक चकाचौंध तथा पश्चिमी सभ्यता के चलते होली पर्व की रंगत भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन पुलिस महकमे के द्वारा आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए एसपी अभिनव चोकसे के निर्देश पर रंगों के महापर्व होली सहित समस्त आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार शाम को तहसीलदार आर के झरबड़े एवं नवागत थाना प्रभारी मनोज सिंह की अध्यक्षता में हंडिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नगर में कितने स्थानों पर होली का दहन होता है और किन किन स्थानों पर सर्वाधिक लोग जमा होते हैं, होली खेलते हैं, इसकी जानकारी लोगों ने अधिकारियों को दी। इस दौरान थाना प्रभारी श्री सिंह ने लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील करते हुए कहा कि त्योहारों पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाने हैं। वहीं तहसीलदार झरबड़े ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ऐसा करके आप पुलिस की मदद कर सकते हैं। शांति समिति की बैठक को लेकर क्या निर्णय लिए गए हैं? आज शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आगामी त्यौहार होली, रंग पंचमी, अमावस्या एवं ईद के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें ईद के संबंध में सामूहिक रूप से नमाज के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जो कब्रिस्तान वाली जगह है उस पर इस बार नमाज अदा की जाएगी। आज की शांति समिति की बैठक को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं बताएँ। ये वास्तव में आज शांति समिति की बैठक में एक अभूतपूर्व निर्णय हुआ है। दोनों समुदाय के लोगों ने व गणमान्य नागरिकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो पुरानी जगह ईदगाह है वहां ना जा करके अब बेड़ी रोड पर एक नई ईदगाह का स्थापना इनके त्यौहार कमेटी द्वारा की जाएगी और इसी ईद से सभी लोग स्वेच्छा से वो बेड़ी रोड पर नई ईदगाह में अपना नमाज अदा करेंगे।